राशि वालों का वर्ष में व्यय अधिक होगा, बल खर्चा ज्यादा होगा बल, यद्यपि आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, बल से आय के स्रोत भी देगा, संतान की ओर से शुभ समाचार मिले, बल स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों का वर्ष जो है मिश्रित फलदायक रहेगा, बल चल अचल संपत्ति खरीदने का योग बनेगा, बल वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना। हेलो दोगड़ियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मदन परिहार स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल मदन परिहार ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, अभी करीब 7:45 हो रहा है अभी, और मैं दुकान के लिए रेडी हो चुका हूँ और जाने लग गया हूँ दुकान की तरफ। और मैं दिखाता हूँ आपको आज का मौसम, क्योंकि लगातार 2 दिन या 3 दिन लगातार बारिश थी और काफ़ी ठंड का मौसम भी हो गया था। इसी बीच में दिखाता हूँ आपको आज का मौसम, क्योंकि आज हल्की हल्की धूप दिख रही मेरे को और बादल भी है ही काफ़ी। आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है हमारे गांव से जो आगे को दिखता है, और आसमान थोड़ा आधा क्लियर है और इस साइड को जो है बादल लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, और शायद बारिश का जो है योग बन सकता है। और हमारे जो है गांव से पीछे की ओर घनघोर बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुरंत बारिश हो जाएगी। कुछ इस प्रकार का मौसम है आज, देख सकते हैं मेरे सामने धूप भी लगी हुई है कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे जो है काफ़ी ख़राब लग रहा है मौसम, क्योंकि लगातार 2 दिन या 3 दिन बारिश होने की वजह से इस प्रकार का जो है मौसम बना है आज। और मैं दिखाता हूँ आपको खेतों का थोड़ा नज़ारा, सिनेमेटिक शॉट, क्योंकि खेतों में थोड़ा जान आ गई 2 दिन की बारिश से, ऐसा लग रहा है जैसे पौधे खिलखिलाने लग गए हैं। दोस्तों, प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहना हमारे प्रति, क्योंकि मदन परिहार ब्लॉग में आज करीब लगभग 1400 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और ये सब आपका ही प्यार का नतीजा है। ऐसे ही प्यार बनाए रखना जिससे कि मोनेटाइज भी मेरा करीब नज़दीक है। अब देखो वॉच टाइम जो है मेरा 300 घंटे के आसपास अभी मेरा वॉच टाइम पूरा करना है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बने रहेगा तो जल्द ही शायद वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पेज पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी के बटन को ऑल पर। दुकान की तरफ जा ही रहा था और यहाँ नीचे भाभी, ये देख सकते हैं, ये है पालिया बोलते हैं दोस्तों हमारे पहाड़ों में, ये जो है पेड़ों में जो है नई कलियाँ जब आती हैं तो उसको काटने के लिए भाभी यहाँ पर आ गए हैं। बहुत सुबह आ गए, क्या बात, जल्दी है। भाभी बता रहे कि सुबह जो है गाय भैंसों को देने के लिए सौले नहीं है बोलने, इसलिए जो है सुबह आ गए। मैं चल दिया अब दुकान की तरफ, काटो फिर काटो। हाँ, कुछ इस प्रकार की जो है दिनचर्या होती है दोस्तों पहाड़ों में, क्योंकि सुबह शाम जो है यहाँ की औरतों का काम सिर्फ एक ही रहता है, गाय भैंसों के लिए घास, और घर में जलाने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, और गैस भी आपको पता ही है दोस्तों करीब 1100-1200 से ऊपर को जो है गैस का सिलेंडर पहुँच चुका है। अब गैस में भी बेरोजगार आदमी गैस भी चला नहीं पाएगा, क्योंकि 1200 रुपये पर महीना या 2 महीने भी अगर गैस चलता है नॉर्मली यूज करके तो उतना नहीं कर पाएगा पूरा, क्योंकि घर के जो है अन्य खर्चे भी रहते हैं। वर्ष में व्यय अधिक होगा, बल खर्चा ज्यादा होगा, बल यद्यपि आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, बल से आय के स्रोत भी देगा, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष शुभ रहेगा, ठीक रहेगा। भूमि मकान में विवाद होंगे, पुराने लंबित कार्य जो है जो पिछले कार्य रहे वो पूर्ण हो जाएंगे। वर्ष के चौथा महीना 7वां 12वीं मास में महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध कर लेने चाहिए। चौथा महीना मिथुन राशि वालों का वर्ष जो है मिश्रित फलदायक रहेगा, बल चल अचल संपत्ति खरीदने का योग बनेगा, बल
वाणी और वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है मिथुन राशि वाले। और राशि वाले सुन लीजिएगा अक्षर के नाम से, दो अक्षर के नाम से, कर्क राशि वालों को, कर्क राशि वालों को शनि की दया का प्रभाव रहेगा, प्रभाव रहेगा शनि से। मानसिक एवं शादी प्रश्न होगा, बस संतान की चिंता बनी रहेगी। चल अचल संपत्ति में विवाद हो सकता है, नए कार्य में योगदान उत्पन्न होंगे। 2, 6 और 8वें माह में महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब सिंह राशि वाले से माने चलते, सिंह राशि वालों का वर्ष जो है मिश्र फलदायक रहेगा, मिश्र बराबर। अच्छा, और गुरु के राशि परिवर्तन के बाद रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, और यश कीर्ति में वृद्धि होगी, बल सम्मान अच्छा ही था। और सुख संसाधनों में धन व्यय होगा, अच्छा ही था जो है। और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान जो है उत्पन्न होंगे, दाम्पत्य मतलब पारिवारिक जीवन जो। और तीसरा 7वां 10वां में फलदायक होगी, फलों के लिए न्यूनता के लिए शिव जी और जो है शनि की आराधना करनी जरूरी है, उसी उसमें जो न्यूनता आएगी। ठीक है, अच्छा चलिए सुन लो, जिसका पौष नाम है और कन्या राशि वालों का वर्ष चुनौतीपूर्ण है। एक जहाँ एक और सुख संतान में वृद्धि होगी, वहीं छोटी सी भूल से कोई बड़ा खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, अतः सावधानी अपेक्षित है। मित्र वर्ग से बहुत संभल कर बात करेंगे, विश्वासघात हो सकता है। बल चौथा 8वां 11वें माह से सुफल देंगे, बल असुफल परिहार तो जब दानी सब बार राशि का सफाई दिए। अच्छा, तुला राशि वाले सुनो, जिसका नौ अक्षर से नाम है तुला राशि वालों को वर्ष मिश्रित फल आएगा, बल सम्मान और यश कीर्ति बढ़ेगी, नई नई योजनाएं फलीभूत होंगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएंगी, संतान की तरफ से शुभ समाचार बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, बल न्यायालय जाने से बचने का प्रयत्न करें। 5वां 9वां और 12वें मास में जो है जो महत्वपूर्ण काम है उनको जो है सिद्ध कर लेने चाहिए। बाकी जो है और अशुभ फलों के लिए हनुमान जी की आराधना, तुला राशि वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अच्छा, ये भी हो गया। अब है वृश्चिक राशि, जिसका 9 अक्षर से नाम है 9, योग से जिसका नाम है। वृश्चिक राशि वालों का वर्ष चतुर्थ शनि से प्रभावित रहेगा, किसी प्रियजन से दूर होने से कष्ट मिलेगा, और मकान भूमि में निवेश करना जो है शुभ रहेगा। जो आदमी जमीन खरीदेंगे उनके लिए जो है ये समय जो है अच्छा दे रहा है। अच्छा, आय के स्रोत बाधित रहेंगे, बल वर्ष में महत्वपूर्ण कार्य में एक हो गया, 6 हो गया, 10वें मास में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अशुभ फल का निराकरण करने हेतु जिसका योग से नाम है धनराशि वाले, धनराशि वालों का वर्ष सुफल कार्य करेगा, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे, लंबे समय से रुके धन की प्राप्ति होगी, वो धनागम के नए स्रोत भी मिलेंगे, घर में मंगलिक कार्य होंगे, वो मित्रों से सचेत रहने की जरूरत है। जय जोग 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 नाम से। और मकर राशि वाले शनि के 3.5 दृष्टि प्रभाव रहेगा, शनि का 24 दायक स्वास्थ्य की दृष्टि वर्ष फलदायक सिद्ध होगा, बल सामान्य स्थानांतरण की वजह से पारिवारिक उलझने बढ़ेंगे, बल जिस ट्रांसफर होने वाला है तो ये है। भूमि तथा भवन निर्माण करना फलीभूत होगा, जो जमीन खरीद दो किस समय जीवन के लिए जो है ठीक रहेगा। संतान पक्ष से उलझने बढ़ेंगे, अभी पारिवारिक दिल्ली के हैं आपको कुंभ है, कुंभ राशि वालों का संपूर्ण वर्ष जो है शनि के प्रभाव में रहेगा पूरा साल, शनि का ही। और संघर्ष के बाद भी कार्य स्थिति में बाधाएं स्वतः जो है उत्पन्न होंगी, एवं आय के स्रोत भी संकुचित होंगे, अपने प्रियजनों से दूरी बढ़ जाएगी, जिस कारण मतलब आदमी परेशान रहेगा तो थोड़ा बहुत स्वाभाविक होगा। और आर्थिक मानसिक और शारीरिक कष्ट भी रहेगा, उनका परेशानी होगा तो आदमी को कष्ट होगा, वो एक वैसा का महीना ठीक भी रखता है, वैसा हो गया, फिर सावन का हो गया, 9वें मास में जो है सुफल मतलब 3 महीने जो है ठीक ठाक रहेंगे, 9 महीने सुफल रहेंगे। हाँ, और सुफल परिहार तो शनि केतु का जब दानी
और शिव जी की आराधना उससे जो है न्यूनता आएगी। अच्छी राशि वाले जिसका तो नाम है, और मीन राशि वालों को शनि के शादी शादी का प्रभाव शुरू हो जाएगा, भाई शनि आने वाला है और अकारण अपने से दूरियां लगेंगी बिना कारण की। मानसिक शारीरिक कष्ट होगा, भूमि वाहन का भवन आदि में निवेश करना अच्छा रहेगा। जिसके अगर कोई मकान खरीदना है या कोई जमीन खरीदना है उसके लिए जो है ये समय जो है अच्छा रहेगा। शनि की उसी है ना, शनि ऐसा होता है कि शनि देते भी है लेते भी है। अब साढ़े साथी के माने आदमी डरता है कि शनि का नगर जो अच्छा फल अच्छा भी करता है किसी भी ऐसा होता ना साहब। शनि का ये होता है कि साढ़े सात साल तक शनि का योग रहता है तो उसमें किसी के 5 वर्ष शुभ रहेंगे तो 2.5 वर्ष जो है अशुभ रहेंगे। किसी का मध्य होता है। मेघ राशि वाले सुन ले, 5 आए 5 गए हैं। अब पति बचन लगा एक शेष बचा तो धन लाभ अच्छा रहेगा। मैंने धीरे धीरे रखा तुम्हारा है। अच्छा अमर राशि वालों से 14 आए 11 गए बजबे कदम लाए शून्य शेष बचे तो लाभ कम खर्चे अधिक मानसिक परेशानी भला हमारा राशि वालों। अच्छा रोग आदि पर खर्चा और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगा। देखो औषध पे नाम से अपन राशि समझ लेंगे। अच्छा अब आए कर्क राशि 11 आए 8 गए पति बचन लगा 3 शेष बचे तो लाभ कम खर्चे अधिक व्यर्थ की भाग दौड़ और घरेलू उलझन जो है बढ़ेगी। हाँ और अच्छा आप सिंह राशि वाले सुन लें। सिंह राशि वाले 14 आए 2 गए शेष पति बचन लगा 7 शेष बचे तो व्यापार सट्टेबाजी द्वारा अकस्मात लगना ड्रीम लोन चलेगा। अच्छा मतलब जो 7 शेष बचा नहीं। अच्छा अब उन्हें कन्या राशि वालों जयगन का जो अक्षर पे नाम से अच्छा कन्या 2 आए 11 2 आए 19 गए और शेष कितना बचा 4 शेष बचे तो मानसिक तनाव तथा शादी कष्ट। ये 4 शेष बचे। तुला राशि वालों का सेमी है जैसे हमारी राशि है 0 शेष बचे तो लाभ कम खर्चे अधिक और मानसिक परेशानी। ये मेघ कन्या का जो है बिल्कुल और तुला का जो है सेम है। अच्छा अब आए वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों को तो बताऊंगा 5 आए 5 गए में एक शेष बच रहा है एक शेष बचे तो दंगा जो है अच्छा रहेगा। मित्र वृश्चिक राशि वाले अब आए धन वाले धन में 8 आए 11 गए अब आया जो है मगर 11 आए 5 गए 8 शेष बचे तो व्यापार सट्टेबाजी द्वारा अपमान जो है अब आया अकस्मात। और मीन राशि वालों का 2 आए 11 गए मीन राशि वाला 2 शेष बचे तो धन लाभ मध्यम शुभ कार्यों पर खर्च। इस बार ठीक दे रखा है हमारा मैं टिक्की नक्षत्र तो हृदय में संग्राचि निगी संग्रात पेटे। अच्छा मृगेश्वरा आद्रा विभो काकी मृगेश्वर जय पाव फिर भी नाम है और आद्रा मुख्य नक्षत्र से डैन आज उसे संग्रात जाने दक्षिण डैन आद्रा संग्रात मुख्य कौन सी हो डैने आज 22 मार्च 2023 से जो है आज दोपहर से विक्रम संवत 2080 का जो है शुभारंभ हो गया है और इसका जो है हमने आज संवाद सुना गुरु जी के माध्यम से यहां पर हमने जो है संवाद सुन लिया है और आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मदन परिहार जल्द मिलता हूं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।